आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप एज ए गिफ्ट फॉर एवर समझ सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारा निवेश का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारे बच्चों के लिए जब वो बड़े हो जाएं या हमारी फ्यूचर लाइफ जब हम रिटायरमेंट के लिए आ जाएं तब, क्योंकि अभी तो हमारा काम चल रहा है, अभी तो हम लोग जॉब्स कर रहे हैं, अभी तो हम लोग कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं, बट लेटर सम टाइम जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ यू नो हम पे ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, उस सब के केस में आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं जो कि आपको उस वक्त अच्छा रिटर्न दे और आपकी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभ जाएं। और इसीलिए हम लोग जनरली इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग FDs कराते हैं और बहुत सारे काम कराते हैं। बट अब चूंकि ये वक्त ऐसा है कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही, अगर मैं बात करूँ कि आगे आने वाले जो 10 साल होंगे वो इंडियन मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं, ये जो गिरावट का दौर समय चल रहा है ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। जैसे मार्केट बॉटम होगा आपको बेस्ट प्राइस मिलेंगे और वो ऐसे स्टॉक्स में मिलेंगे जो कि आगे चल के मार्केट लीडर्स बनेंगे। फिलहाल अभी भी अपने अपने फील्ड में मार्केट लीडर हैं और ऐसे ही स्टॉक की बात कर रहे हैं आज हम, और उस स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में मास्टर है, लीडर कंपनी है। सारा बिजनेस जो है इनका ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, नेटवर्किंग बेस्ड है, टेलीकॉम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस्ड है। यूरोप में भी इन्होंने पैठ जमाई है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली एक नई कंपनी ब्रेसियाना मेटलर्जी का ब्रेसियाना को खरीदा है यूरोप में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और अभी जैसा कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी, बहुत सारे काम चल रहे हैं। अब उस केसेस में जो ऑप्टिकल फाइबर वो कैसे रोल प्ले करेगा? देखिए, इंटरनेट हर जगह ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय। इवन अ सिंगल टाउन एरिया, जो सबसे देहात जिसको हम बोलते हैं, देहात में भी आपको आने वाले समय में 24x7 लाइट मिलेगी, 24x7 इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अभी तो शुरुआत हो रही है 100 स्मार्ट सिटीज से, लेकिन आने वाले 10 और 20 साल के बाद आपको पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से बदला हुआ नज़र आएगा। तो जो आने वाला जो वक्त है वो हिंदुस्तान का टर्निंग पॉइंट होने वाला है और जिसकी शुरुआत होगी 2020 और 2022 के बाद से। और यही वो समय है जब आपको अच्छे टेक्निकली स्ट्रांग और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स में निवेश करने का सही समय है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एकदम एक्यूरेट फिट बैठता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग कदम रख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उस सभी में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है। अभी हमने पहले भी हमने आप सभी से डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम आपको लेवल्स बताएंगे कहां पर आप इनको ले सकते हैं, क्या इसके बेस्ट लेवल्स रहेंगे आपके बाइंग करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आपको फंडामेंटली हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता रखा है। आप यूट्यूब पर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो ओवरऑल स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का जो कोर बिजनेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे टेलीकॉम एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, टेलीकॉम सर्विस सॉल्यूशंस है, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन पे काम करते हैं ये लोग, स्टरलाइट अल्ट्रानेट एंड टेलीकॉम सॉफ्टवेयर। और जैसा कि सभी को पता है ऑप्टिकल फाइबर्स, अब रिलायंस भी गीगा फाइबर बिछा रहा है, एयरटेल फाइबर्स केबल्स पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बिछाने की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है सभी, इवन विलेजेस, टाउन एरिया, सिटीज़, ठीक है, सभी जगह पूरी 2022 तक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का टारगेट है ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर जो फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होंगी उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है। आपको आज नहीं दिखेगा, आप अगले 4, 6, 8 क्वार्टर्स के बाद जो बूम देखेंगे इस स्टॉक के अंदर, वो शायद आपने आज एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और अनएक्सपेक्टेड मूव उसके अंदर आएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट होगा उतना ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मूव इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अभी टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया लेबल्स, बहुत बढ़िया चार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, स्पेशली डेली चार्ट्स पर। और अगर हम बड़ी मंथली और वीकली चार्ट के बारे में बात करेंगे,
तो दोस्तों वीकली चार्ट में भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। RSI ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ अपने लगभग 500 के लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ। सॉरी जस्ट अ मिनट, ये शायद रेडिको खेतान का है, हम लोग बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का चार्ट हम लोग खोल लेते हैं। या दिस वन इज द स्टरलाइट टेक्नोलॉजी चार्ट। इसमें 299 का लेवल चल रहा है, 299.66 का वीकली कैंडल में, वीकली चार्ट में बहुत अच्छे लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें, देखिए ज़्यादा टिपिकल मैं आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा, मैं आपको यू नो इचिमोको क्राउड के अंदर लेके चलूंगा, मैं आपको बैंड बॉलिंगर के अंदर लेके चलूंगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ कि कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं और कौन से लेवल हैं जो कि आपको वहाँ से ब्रेक होने पर नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल कौन सा है? 273 वीकली चार्ट पे बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है 273 का लेवल, वीकली क्लोजिंग पे आता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा इसमें वो तकरीबन मिलेगा 200 के आसपास का, 200 से लेकर 220 के बीच में आपको कहीं ना कहीं वो लेवल उसके बाद वापस मिलेगा। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर धोखे से भी ये 220-230 के आसपास आ जाता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको किसी स्टॉक में नहीं मिलने वाली है। फिलहाल मार्केट अभी पैनिक है, कल भी मुझे लगता है कि ओपनिंग जो मार्केट होगा वो शायद रेड में खुलेगा, बट लेटर ऑन रिकवरी आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है। कल RBI की रेट कट की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका रिव्यू है, और जिस तरह से माना जा रहा है कि शायद RBI रेट को इंक्रीज कर देता, अगर वो ऐसा होता तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा और स्टिल मार्केट नीचे की तरफ रह सकता है। बट अभी डाउन ट्रेंड में देखिए 10,550-55 की रेंज में है, मुझे लगता है 10,430 के आसपास स्टॉक आएगा और तब ये स्टॉक लगभग 275-280 के रेंज में ये आपको मिल सकता है। अगर यहाँ से मिलता है आपको 275-280 के रेंज में, सो डेफिनेटली वो बाइंग के बेस्ट लेवल रहेंगे। मंथली कैंडल पर भी अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं नज़र आती जब तक कि स्टॉक 275 मंथली कैंडल पर ब्रेक नहीं कर देता। यानी कि आपका अगर अक्टूबर मंथ है और अक्टूबर मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर आपको ये स्टॉक ब्लो 275 नज़र आता है, तब आप समझिएगा बहुत और वीकनेस बचेगी जो कि उसको 220 या 230 के आसपास लेके जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं आता है देन आपको इसमें रिवर्सल देखने को डेफिनेटली मिलेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली चलेगा, रॉकेट शेयर की तरह आप समझिएगा, अभी फिलहाल ग्रेजुअली चलेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में आप, लेकिन FY20 मार्च 20 जो फाइनेंशियल नंबर्स आएंगे उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला, ये आप आज लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, अभी आपको बहुत सस्ते लेवल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर जितना डिप मिलता है उतनी आप बाय और डिप कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, और अपनी वेल्थ अपने बच्चों के लिए एज ए गिफ्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक उनको अगर आप गिफ्ट करेंगे तो उनकी लाइफ में फिर कोई परेशानी नहीं रहने वाली है, ये तो निश्चित बात है। ये स्टॉक उनके सारे ड्रीम्स, उनके सारे सपने डेफिनेटली पूरे करेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों ये हमने बात की स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में, ये गिफ्ट फॉर एवर एक प्रोडक्ट है अगर बात करें, और इस स्टॉक को आप अभी से ही हर डिप पर खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिएगा, लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग खुद नहीं सीखेंगे, अगर आप लोग डायरेक्टली सुन के केवल निवेश करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं अच्छी एडवाइस मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर आप लोग धोखा खाएंगे, आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया, दूसरों की बात देखिए कहते नहीं है, सुनिए सबकी लेकिन करिए वही जो आप चाहते हैं अपने मन की, तो आपको खुद एनालाइज करना सीखना चाहिए, खुद फंडामेंटल खुद टेक्निकल लेवल्स को सीखिए, कोशिश कीजिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा चार्ट्स को आप खोलेंगे, जितने ज़्यादा चार्ट्स को आप व्यू करेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि चार्ट्स कैसे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये हमने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, आई होप कि इस स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रखेंगे। राइट लेवल जैसे ही आपको मिलते हैं आप इसमें सिर्फ SIP यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चे और उनके बच्चों के लिए ये एज ए गिफ्ट छोड़ के जा सकते हैं, जो कि आपकी पुश्तो याद रखा जाएगा। खैर फिलहाल तो स्टरलाइट के बारे में इतना ही है, बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, हम लोग मिलते रहेंगे, स्टरलाइट के बारे में बात करते रहेंगे। बट ओवरऑल फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक अगर कोई सस्ते लेवल पर आज मिल रहा है तो वो कोई और नहीं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है। इस पर अपनी जरूर राय बनाइएगा, अगर आपके पास कुछ इनपुट्स हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कुछ आपके पास क्रिटिक्स हो तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा विद प्रॉपर रीज़न।
कमेंट्स कीजिए, नो इशू, बट प्रॉपर रीज़न दीजिए कि क्यों ये स्टॉक अच्छा नहीं है। अगर किसी के पास प्रॉपर रीज़न नहीं है तो दूसरों को कंफ्यूज ना करें। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द डिजिटल वर्ल्ड, इन द अपकमिंग फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।